हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन, आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, और सेहत से बढ़कर कोई भी दौलत नहीं है। तो नाज़रीन, हमें लगता था कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आज क्यों ना हम बात करें फिटनेस पर, सेहत पर। तो उसके लिए आज के गेस्ट को हमने इनवाइट किया है, जो कि बड़े ही सेंसेशनल पर्सनालिटी है, एक मॉडल हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, यूथ आइकॉन भी उनको कहा जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रेस्टिजियस फैशन लेबल्स ब्रांड्स जैसे कि अलकरम, वॉक, जैस और नेस्ले में भी काम कर चुके हैं। और सबसे मज़े की बात है, अपना ब्रांड भी रन करते हैं, जो कि कैंडल्स का ब्रांड है, और एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं। तो आइए देर नहीं करते, बात करते हैं सफवान इलाही से। सो वेलकम सफवान टू आवर शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम फिटनेस पर बात करने लगे हैं, और स्पेशली यूथ आइकॉन्स जो कि फिटनेस ट्रेनर्स बन रहे हैं, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। ओके, तो सफवान, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है लाइफ में? क्या है कि कौन है? क्या है, कौन है, दोनों? I don't think I have an inspiration. Yes, there are some people, some models, some artists I get inspired by. लेकिन एक होता है ना role model, जो आपकी life का specifically कोई नहीं है, बस when you go through your Instagram feed, there are certain people you like. किसी से कुछ adapt करता हूँ, किसी का कुछ पसंद आता है, किसी का कुछ पसंद आता है, तो I learn from them, I adapt things from them. So Tony Mofford is one person I really admire. That's one person, yeah. So what's so special? His art. He's a fashion model. But his art, his photography, his paintings, they're insane. That really inspires me. So yeah, this is one person I can think of so far. So you have artistic sense. I am. I paint as well. Yeah. So I'm an artist as well. ठीक है, तो अभी आपकी अभी तक आप मैं बता रही थी आपके इंट्रोडक्शन में कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, यू हैव बीन डूइंग मॉडलिंग, और इसके अलावा आपका कैंडल्स का ब्रांड है, उसका क्या नाम है, थोड़ा सा बताएंगे? सफवान कैंडल्स। हाँ, तो उसमें क्या, व्हाट्स सो स्पेशल इन दैट? सो माय कैंडल्स आर प्रोबेबली द ओनली कैंडल्स यू विल फाइंड इन पाकिस्तान व्हिच आर मेड ऑफ जेल वैक्स। सो दीज आर जेल वैक्स सेंटेड कैंडल्स एंड द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग कैंडल्स, एंड दे आर अपेरेंटली इको फ्रेंडली। सोय वैक्स भी होती है, डिफरेंट कैटेगरीज की वैक्सेज आती हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज कैंडल्स का जो अब कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि हम खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट चली गई तो कैंडल जलाई, वो वाला जमाना चला गया। तो अब खूबसूरती के लिए हम लोग सोय वैक्स कैंडल्स बाय तो करते हैं अक्सर, लेकिन वो ऐसे जार्स में होती हैं कि उनकी या तो कलर्स होती हैं, कलर्ड होती हैं कैंडल्स अक्सर, या अगर आप नॉर्मल कैंडल्स बाय करो तो उनके देर ओवरली प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल्स हमेशा, और सेंस के अंदर डिफरेंसेस होते हैं लेकिन खूबसूरती नहीं होती कैंडल की। कैंडल की खूबसूरती उसके रंगों में होती है, और जो कलर्स जेल वैक्स में आते हैं, जिस तरह वो प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह कमरे में रोशनी होती है, जिस तरह दिखती है, वो किसी और वैक्स में नज़र नहीं आते। तो इसलिए आप चूज़ किया। थोड़ा सा कंपेटिटिव एज भी होना चाहिए। अब देखें, मुझे मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज पता है, तो इसलिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग भी की है, कमर्शियल्स में भी काम किया है, और इसके अलावा फिटनेस में भी हैं, और जैसा कि हमने एंटरप्रेन्योर बिजनेस की बात की, तो इन सब को अगर लेके आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट अचीवमेंट आपको किस में नज़र आती है? हर चीज़ में अचीवमेंट है। मेरा मानना ये था कि अगर कोविड के बाद, स्पेशली कोविड से पहले तो चीज़ें मुख्तलिफ थी। ये कैंडल्स का काम भी मेरा था कि करूँगा कभी, लेकिन किया नहीं। ये कि ये इतने सारी चीज़ें बंदे एक टाइम पे कैसे करें, मैनेज नहीं होती हैं। तो जब से कोविड आया है, जब से मैंने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस बंद होने शुरू हो गए, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, सबके लिए चैलेंजेस एकदम से। तो उसके बाद हर इंसान ने नोटिस करनी चीज़ शुरू की कि आपके पास हर तरह का रेवेन्यू खुला होना चाहिए, पैसों के इनकम के रास्ते खुले होने चाहिए। और द गुड पार्ट अबाउट माई वर्क इज दैट माई पैशन इज माई प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग व्हाटएवर प्रोफेशन यू चूज, इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग। तो अब देखिए, मॉडलिंग में भी जो है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपको हर रोज़ तो शूट्स मिलने से रहे कि आपको ये ब्रांड आज कॉल करे, वो ब्रांड कल कॉल करे, कितनी शक्लें पाकिस्तान में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक ही चीज़ को अपना ब्रेड एंड बटर बनाओगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। आप उस पर डिपेंड करोगे ना, डिपेंड ना करो उस चीज़ पर। आप फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से ये है कि फिटनेस ट्रेनिंग में मुझे एक टाइम था जिम जाने का टाइम नहीं मिलता था, यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटी के मसले, ये वो,
जब मुझे पता चला कि यार इस चीज़ से मैं कमा भी सकता हूँ, इस चीज़ को मैं स्टडी कर सकता हूँ, जब मैं दूसरों को ट्रेन कराऊंगा तो इसमें मेरा अपना भी होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपकी ट्रेनिंग भी होगी। हाँ, क्योंकि मुझे एक तो नए नए क्लाइंट्स आते हैं, उन सबके साथ साथ वर्कआउट करना पड़ता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ हो गई, और क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा, आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ विद माई क्लाइंट्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सोचें अगर मैं अगर अपने आप को मेंटेन ना करूँ, मैं क्लाइंट्स के पास खड़ा हो जाऊँ सामने, अगर वो मुझे देख के बोलेंगे ये क्या हमें ट्रेन करेगा, खुद का तो इसमें हाल बुरा किया हुआ है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई आई मोस्ट ऑफ पीपल यू नो दे जज थ्रू, अगर डिजाइनर है तो उसके देखते हैं, उसके डिजाइनर है तो खुद कैसा है। अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की शक्ल पे खुद दाने निकले तो बोलते हैं ये अच्छा वाला नहीं है, इसने पता नहीं खुद अपनी शक्ल तो ठीक नहीं। मैं खुद पर्सनली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, मैं देखता हूँ यार ये तो खुद अगर इतना अच्छा है तो खुद का तो कुछ करता है, इसने खुद तो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया हुआ, और मेरे सामने पूरी लिस्ट सामने बोटॉक्स से लेके फिलर्स व्हाट नॉट भर के रख दिया कि ये इसके इतने चार्जेस हैं, आप ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे। नहीं भाई, ऐसा ना होता है। I like your answer, it's very smart and nice answer. अच्छा, मुझे भी ये लगता है कि we should always have plan B and C. हम वी कांट रिलाई ऑन वन स्पेसिफिक पर्सन, वन स्पेसिफिक प्रोफेशन या वन स्पेसिफिक कोई भी चीज़ हो, है ना। आई थिंक डिपेंडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हर्ट करती हैं आपको, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, तो अभी तक आपको क्या लगता है कि आपको लगता है इसका मतलब है कि आपको सारे प्रोफेशंस में अचीवमेंट मिली है, लेकिन फिर भी एक अगर कहा जाए कि अभी तक आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आई फील लाइक दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ माई करियर, और अल्हम्दुलिल्लाह things are going well so far, but in terms of modeling, my age is 22. I think I've done good brands so far. Obviously, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, quality work किया है अल्हम्दुलिल्लाह। Similarly, candles मैंने अभी लॉन्च भी नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ orders पर स्टार्ट किए हैं, एंड आते रहते हैं, चल रहा है, एंड इंशाल्लाह I'm planning to launch them very soon in the market. अच्छा, अभी लॉन्च भी नहीं की? लॉन्च भी नहीं की है, अभी ऑर्डर्स पे चल रहा है। या आई एम लॉन्चिंग देम इंशाल्लाह वेरी सून। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक सुनने से। या दैट फेयर इनफ, या विदाउट लॉन्चिंग इतना अच्छा रिस्पांस। बट मेनली जो ट्रेनिंग्स है मेरी, जो फिटनेस ट्रेनिंग कराता हूं मैं, आई गॉट माय बेसिक सर्टिफिकेशंस डन ऑनलाइन। इसके अलावा मैं 3-4 साल से प्रॉपर्ली, मतलब ट्रेनिंग तो प्रॉपर्ली मैं 2 साल से करा रहा हूं, बट 3-4 साल से एक दो दोस्तों को ट्रेन करा दिया ये वो, अनटिल प्रॉपरली मैंने पिछले साल शुरू किया था, पिछले साल अपेरेंटली। तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग, पीपल आर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम मी। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला कि यार इनको मैं ट्रेन, अगर मैं 40+ लोगों को, उनके बाइसेप्स बन रहे हैं, उनका फैट कम हो रहा है, वो मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू पे द अमाउंट यू आस्किंग देम, देन व्हाई नॉट जस्ट टेक दिस प्रोफेशनली, व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट दिस। बिकॉज आजकल होता है ना, मेरे पास काफ़ी तरह के लोग आते हैं, जैसे कि कुछ हो गए जो बेचारे लेट 40s 50s में है, उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी जिम नहीं गया, लेकिन अब जाके उनकी जो फेस पर खुशी होती है ना कि हमारा वजन कम हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज से मीडियम साइज पे आ गए हैं, दैट मेक्स मी हैप्पी। फिर कुछ लड़कियां होती हैं, कहती हैं कि हमारी शादी होने वाली है, मोटी हैं, ऐसी लड़कियां भी आती हैं, कुछ होती हैं, मतलब हर किसी का वो, एवरी पर्सन वांट्स टू बी फिट। ये तो हो गया अचीवमेंट। अब आप बताएं बिगेस्ट रिग्रेट अप टिल नाउ। बिगेस्ट रिग्रेट मेरा है, रिग्रेट मैंने कभी नहीं किया किसी चीज़ को, मैं आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो वो चीज़ जब मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, आई जस्ट गो फॉर इट। तो कभी भी रिग्रेट, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ, टॉकिंग अबाउट वॉकिंग आउट ऑफ माई यूनिवर्सिटी, टॉकिंग अबाउट एनीथिंग ऑन दिस प्लानेट, आई डोंट रिग्रेट। बैड डिसीजंस लेता हूँ बट रिग्रेट नहीं करता कि मैंने ये क्यों किया। एग्जाम्पल बड़ी सी दे देता हूँ, अक्सर हमारे जो टीनेजर्स हैं और ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे रिलेशनशिप्स भी होते हैं ना कि ब्रेकअप्स होते रहते हैं अक्सर, तो वो भी रिग्रेट नहीं किया कभी। वो भी अभी पूछने वाली थी, मैं रिग्रेट नहीं किया कभी भी, रिग्रेट नहीं होने चाहिए। पहले ये डिस्कस, एंड दिस वन थिंग, देयर वाज अ टीचर आई हैड आर्ट, जिन्होंने मुझे आर्ट पेंटिंग तो मैं करता ही था, बट शी पॉलिश्ड मी। मुझे एक चीज़ वो सिखाती थी, कहती थी नेवर हैव अ रिग्रेट। मैंने उनको बोला कि मिस आप मुझे बताएं कि अगर अक्सर ये होता है कि माँ बाप के नाफरमानी ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो ऐसे तो माँ बाप तो ये बोलते हैं ये करो, मैं ये नहीं करता। कहती हैं एक हद तक ठीक है, बट सुनो सबकी, करो अपनी, रिग्रेट मत करना कल को कि तुमने ये नहीं किया, जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। तो दिस इज व्हाट आई फॉलो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक अनटिल अनलेस थिंग्स आर गोइंग फाइन, आई थिंक हमें लेट देम गो वाली बात होनी चाहिए, फिर एक टाइम तक वो नहीं, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रांस की बात करें तो एक टाइम तक हम नहीं समझ सकते, मतलब पेरेंट्स नहीं समझ सकते कि हम क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव स्पेस, और फिर अपना मतलब डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ हार्श रियलिटीज देंगे। अच्छा, ये बताओ कि मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ऐसा जब जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंजॉय किया हो।
आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली. हाँ, मोमेंट ऑफ ट्रुथ होते हैं ऐसे मोमेंट लाइफ का जिसमें जब आपको लगा हो कि यार इसमें सबसे ज़्यादा मैंने ये मोमेंट जिंदगी का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है और मैं सबसे ज़्यादा लाइफ में आज के दिन इंजॉय किया. या कुछ ऐसे मोमेंट फॉर मी मोमेंट ऑफ ट्रुथ वाज व्हेन आई वाज गेटिंग यू नो अवार्ड एज अ एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट इन माय यूनिवर्सिटी. सो इट वाज अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर मी. सो व्हाट अबाउट यू? ना मेरे कभी अच्छे ग्रेड्स आए हैं, नहीं यार एनी इट कुड बी एनी, ना मुझे कभी कोई अचीवमेंट्स हैं, ना कोई मेडल्स हैं, बट या माय फैमिली. सो देयर वाज दिस फैमिली वेकेशन, आई वेंट टू सिंगापुर, आई रिमेंबर यूनिवर्सल स्टूडियोज. तो वहाँ पे आई रिमेंबर दैट वाज वन मोमेंट आई रिमेंबर व्हेन माय एंटायर फैमिली वाज टुगेदर एंड वी हैड द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ. अगेन बहुत कम फैमिली के साथ आजकल पर बहुत कम टाइम स्पेंड बॉन्डिंग एवरीबॉडी इज बिजी. एक जब मोमेंट्स मिलता है ना फैमिली के अच्छे लगते हैं. और अक्सर पाकिस्तानी फैमिली में होता है कि अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स, लड़ाइयां शड़ाइयां. बिल्कुल ऐसे है, अम्मा से नहीं बनती जब इकट्ठे बैठते हैं बच्चों के लिए भी एक वो मोमेंट होता है. हम खाने के लिए भी एक साथ बैठते हैं ना तो मुझे ये नहीं खाना, कोई वेजिटेरियन तो कोई बीफ नहीं खाता, कोई चिकन नहीं खाता, एक जगह डिनर पे भी नहीं जा सकते. लेकिन वो वाहिद था जब सब सुकून से दिन गुजार रहा. इट वाज अ गुड डे. सो दैट्स व्हाट आई रिमेंबर सो फार. खूबसूरत जगहों पर, आई थिंक दैट इज गुड प्लेसेस. हां, और सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट of breakups. every breakup. इतने सारे कितने breakups हुए? let's not count them. have a nice tattoo here with all the name. नहीं, I'm just kidding. I'm just kidding. नहीं, it's something else. but yeah, obviously. but the biggest heartbreak was my losing my cat, 12 years old cat last year. so yeah. I also lose, so I can understand your feeling. Yeah, there's some people who have specific. I'm cat lovers. Yeah. I have 8 stray cats. I adopted them. So really, that's them, so cool. Before coming here, they were, you know, chasing me. ऐसे ही होता है बिल्लियाँ. So yes, ये तो हो गया जी heartbreaking moment, breakups. सही है. और अभी सबसे मज़े का मज़े का question वो ये है कि आपका dream क्या life का? Aspiration. Dream is not fame. Obviously, success is there, but in what form? So my dream is to be known for my work, not for my looks, not for my. I don't want to be known as a model. I don't want to be known as an actor. I want to be known for the paintings. Because initially, मुझे याद है मैं modeling की तरफ भी क्यों आया था. मैंने सोचा था मैं painting करता हूँ, मैं अच्छी painting करता हूँ. कब से painting करते हैं आप? बचपन से करता हूँ. अच्छा. लेकिन मेरी पेंटिंग्स में दिखता था कि जब मैं किसी शॉप पे रखवाता हूँ या किसी जगह ऑनलाइन रखवाता हूँ, वो वर्थ नहीं है इसकी, वो वैल्यू नहीं है यहाँ पे. मतलब मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखता हूँ, उनकी पेंटिंग्स दे सेल ऑन अ वेरी गुड अमाउंट, व्हाइल माय पेंटिंग्स आई यूज्ड टू टेक 4 मंथ्स टू कंप्लीट वन पेंटिंग. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आर्ट को सर से वैल्यू नहीं करता. तो मुझे वो प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला कि मैं पेंटिंग्स वो करूं. फ्यूचर में तो मुझे किसी ने ये बात बोली कि यहाँ पे काम नहीं बिकता, यहाँ पे नाम बिकता है. तो तब से मैंने कहा किस तरह पेंट क्या करूँ मैं. तो आई जस्ट स्टार्ट पॉलिशिंग माई इंस्टाग्राम. मेरी एक पिक्चर जो है नॉर्मल पिक्चर बीच पे लगा दूँ, 1,000-2,000 लाइक्स आएंगे. शर्टलेस डालूँ 4,000 आएंगे. पेंटिंग लगाऊँ मुश्किल से 50 लाइक्स आएंगे. नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव द पेंटिंग इज. देन आई सॉ माई ऑडियंस, व्हाट पाकिस्तानी ऑडियंस वांट. फिर शायद मुझे ये लगा कि मेरी ऑडियंस ऐसी है, पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं है. बट ओवरऑल मैंने जितना भी किया मैंने कहा चलो यू गेट इट राइट. सो बस यही था, मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. बट या माय अचीवमेंट एंड माय ड्रीम इज अबाउट इट. माय ड्रीम इज टू जस्ट मेक श्योर दैट माय पेंटिंग्स आर नोन एट सम पॉइंट इन टाइम. दैट्स रियली कूल ड्रीम. थैंक यू. और इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी. तो स्वान, अब टाइम हुआ जाता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का. थोड़ी सी बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा फन टाइम भी हो जाए. Okay. So are you ready? Yeah, definitely. Let's go for it. So yeah, let me like introduce our segment to you. Our jo segment hai, fun segment, isme matlab different activities hain. So this is the fun box. You will pick one activity out of it. Excited. And you will tell me kya aapki kya activity hai. Then I'll explain ke what is. Sari dikh sakta hu main? Haan. Ek koi bhi utha lo, ek. You can pick randomly. Fitness boot camp. Interesting. Interesting. ये बिल्कुल आपके काम से related activity निकली है. Lucky me. लेकिन ये बहुत different type का हम एक fitness boot camp लगाने वाले हैं. इसमें different celebrities भी हो सकते हैं, politicians भी, influencers भी हो सकते हैं. तो I will ask for a fitness advice from you. के उनको देख के. तो ये हम ये नहीं कि हम किसको डिग्रेड कर रहे हैं, जाहिर बात है. मैं अपने बारे में भी पूछूंगी आपसे कि मुझे भी फिटनेस एडवाइस. बस सही है. तो अब मजा आएगा. 1 से लेके 9 तक हैं. आप यू कैन चूज एनी नंबर, फिर मैं उसको कट करते जाऊँ. 6 से स्टार्ट करते हैं.
अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन जो सी आपके नंबर सिक्स में है माहिरा खान। मुझे फिटनेस एडवाइस देनी माहिरा खान को? हाँ, फिटनेस भी हो सकती है, एक्सरसाइज, डाइट, व्हाटएवर, यू नो। माहिरा खान तो बड़ी परफेक्ट है यार। अच्छा, हाँ तो आप बता भी सकते हैं। माहिरा खान बड़ी परफेक्ट है, उनको जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बट जनरली या लेट्स जस्ट स्टिक टू दैट फॉर नाउ। आप कुछ कह रहे लगे थे। नहीं, कुछ नहीं कह रहा है। आगे, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। चलो, सिक्स हो गया, उसके अलावा फोर। अच्छा, उस्मान बुज़दार। I don't know who Usman Buzdar is. वज़ीर आला पंजाब, have you seen him? नहीं। पंजाब के वज़ीर आला शायद। हाँ, मुस्टैशेस वाले जो बड़े साइलेंट से रहते हैं, बहुत मुश्किल पेट से निकला है उनका। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो क्रंचेस लगाएं, लेग रेजेस लगाएं बस। और डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें। हाँ, बाकी आपको वैसे अब पिक्चर्स भी नजर आएंगे स्क्रीन पर, फिर आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। हाँ, और चलें फोर और सिक्स हो गए, इसके अलावा वन बिलावल भुट्टो। बिलावल शुड बी स्टार्टिंग स्क्वाट्स, प्रॉपर स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स, हैवी स्क्वाट्स। हैवी स्क्वाट्स, अच्छा। और डाइट में भी? डाइट में वो डाइट में फ्रूट्स खाएं ज़्यादा। फ्रूट्स खाएं, कार्ब्स जिनमें हो, केले हो गए, आम हो गए। अच्छा, मैंगोज खा सकते हैं? Mangoes are not good for your weight loss. They're for weight gain. So yeah. Okay. ठीक है। अच्छा, first भी select कर ली, 4, 6, उसके बाद 3 में इमरान अब्बास। इमरान ऐसे लगे जैसे आपके friend हैं। हाँ, इमरान से अच्छी सलाम दो। तो इमरान should properly start doing his bench press. He should work on his chest. He should start protein shakes. He should gain weight now. It's high time. Achha, weight gain wali advice. Yeah, but actors ko hota hai ki weight gain nahi karna chahiye. Zyada camera pe mote aate hain. But in person, if you see him, he needs a little bit of gaining, but he's gonna go with it. So yeah. Achha, aur aapko pata hai ki screen par different aate hain, you know, thode se matlab fat dikhate hain aapko. Aisa hi hai. Achha, ab aapke paas options hain 7, 8, 9 aur 5. Isme se kaun se? 9. शीरी मज़ारी। आई डोंट नो शीरी मज़ारी। किसी और ऑप्शन में, आई थिंक आई नो। ओह शिट, यू नो, जिनके कलर बाल भी हैं, यू नो, जिनके छोटे बाल भी हैं। हाँ बिल्कुल, छोटे बाल भी हैं। शी शुड डेफिनेटली गो फॉर रनिंग, वेस्ट ट्रिमिंग एक्सरसाइजेस। देखो, रनिंग एंड कार्डियो डजंट हेल्प यू मच, वेट ट्रेनिंग डज हेल्प यू। सो शी शुड गो फॉर रनिंग, इतना हेल्प। शी शुड गो फॉर कैटलबेल साइड्स एंड शी शुड गो फॉर साइड किक्स, फ्रंट किक्स, वही एब्डोमिनल वर्कआउट्स, प्रॉपर जिम वर्कआउट्स। Everything is important for everybody again. But yeah. Or 5, 7, 8. इसमें से 5. आमिना शेख। A lot of push-ups. Yeah. Maybe for starters, yes. Okay. And next two बड़ी मजे के options, you know, जो के बाकी रह गए हैं। 7 और 8 दोनों मजे के। 7. मारवी सरमद। Come again? मारवी सरमद। आई डोंट नो। हलीलुर रहमान कमेंट जिनको टारगेट नहीं करते। नहीं, आई डोंट नो हर। नो, आई डोंट। अच्छा, औरत मार्च में बड़ा वो बड़ी फाइट हुई थी। नहीं, मेरा जिस्सा मेरी मर्जी को लेकर। नहीं। अच्छा, नहीं पता, चलिए ठीक है। फिरदौस आशिक खान को पता है, बड़ी स्ट्रांग वुमन है। फिरदौस आशिक खान जो एनक लगाती है। हाँ जी जी, अच्छी तरह पता है। फिरदौस आशिक खान, शी इज वेरी लकी इस वान को। फिरदौस आशिक खान का पता है। और बहुत कुछ बाकी पॉलिटिशियंस का कम पता है, लगता है आपके फेवरेट हैं। या आई डू लाइक हर। सो फिरदौस आशिक खान शुड जस्ट स्टार्ट विद ट्रेडमिल। आई थिंक लूज अ लिटिल बिट ऑफ weight, but she's good, she's perfect again. I think she'll do boxing exercise very well. Yeah, yeah, no, but she's perfect. Mahira Khan jaisi hai waisi, Mahira Khan achhi hai, Firdaus Aashiq Khan jaisi hai waisi best, waisi hi achhi hai. Wow yaar, ye baakiyon ko bada smart answer hai waise. To nazreen, iske sath khatam hua jata hai hamara fun segment, fun time. Aaiye chalte hain next segment ki taraf. To swan, ab time hua jata hai hamare next segment ka, jiska naam hai break the stereotype. Okay. तो ब्रेक द स्टीरियोटाइप में हम मतलब डिफरेंट
प्रोफेशन से डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं और वो फिर बताते हैं कि उनको लगता है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंस में ये मिथ्स थी या ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग थी या ये स्टीरियोटाइप था जो कि वो सोसाइटी से ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपकी दफ़ा मेरा दिल कर रहा है कि मैं पूछूं फिटनेस से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड इस तरह के क्या स्टीरियोटाइप्स हैं जो आपको लगता है आपको ब्रेक करना चाहिए। वैसे तो मैं टिपिकल बातें कर सकता हूँ यहाँ पे कि बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, मोटी औरतें मोटे उनको बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, उनकी शादियों में मसले होते हैं, मोटे लोगों वुमेन और मेन का जो वो होता है कि मोटे आदमी से लोगों को मसला नहीं है बट मोटी औरतें तो शादी नहीं होती, ये सारी टिपिकल चीज़ें। इसकी तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा, फिटनेस के हवाले से बात करें तो इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। मैं जिससे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ है वो ये है कि Every guy with decent looks or good looks is meant to be a fuck boy. That's what people think. 90% of the people, मैंने अपनी आंखों से witness किया है, 90% of times women these days, अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है आजकल या अगर आपको कोई क्या कहते हैं मतलब अगर लड़का जिम ट्रेनर हो गए तो उनमें वो होता है कि नहीं ये किसी ये वफादार इसमें वफा नहीं होगी इसमें लॉयल्टी नहीं है, एक स्टीरियोटाइप है बहुत बड़ा, इसको ब्रेक करो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, योर लुक्स डोंट रियली मैटर, what matters is get to know the person. That is what I want to talk about here. That is very sensitive. Yeah, आज के लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा नहीं, the funny thing, this is not personal. मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है, but मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है personally. हाँ तो girls आजकल वैसे भी पता नहीं अब सब करती हैं कि नहीं, most of them you know. 90% of the time. मतलब जिस तरह मतलब boys ने एक अपना standard set किया है, जो size figure. आप कभी भी एक खूबसूरत लड़की को एक खूबसूरत लड़के के साथ नहीं देखोगे इस मुल्क में, कभी भी नहीं पॉसिबल। मैं बड़ी बड़ी मॉडल्स से लेके बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से लेके पॉलिटिशियंस जिसका भी आप नाम लो, आप सोच सकते हो कि उनके साथ कोई उनका कोई खावन कोई हसीन नहीं होगा। एक खूबसूरत लड़की के साथ एक एवरेज लुकिंग गाय होगा और एक अच्छे गुड लुकिंग लड़के के साथ एक एवरेज औरत होगी। पाकिस्तान में मैंने क्यूट कपल्स नहीं देखे कभी भी। तो ये कहते हैं दोनों मैग्नेट में प्लस साइन जो से हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑपोजिट अट्रैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। ओ ये तो बड़े मतलब एक आपने आज डिफरेंट टाइप की स्टीरियोटाइप्स बताई हैं, लेकिन वाकई मैं ये सोच रही थी जब हम आपको इंटरव्यू करने का सोच रहे थे तो मैं सोच रही थी कि आपसे पहले वाली जो एपिसोड थी हमने बॉडी शेमिंग पे हमारी लास्ट एपिसोड थी, हाँ उसमें हमें मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट को इन्वाइट किया था, काफ़ी फेमस हैं और एक्टर भी हैं और इसके अलावा वो भी ट्रेनर हैं लेकिन मेकअप तनवीर आफरीदी उनका नाम है। तो मतलब उन्होंने बॉडी शेमिंग के लिहाज से मतलब काफ़ी डिटेल में बातें की, तो मुझे लगता था कि अगर मतलब जब हम जिम की या ट्रेनर्स की बात करते हैं मतलब जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं तो क्या अगर वो किसको एडवाइस करते हैं वो बॉडी शेमिंग में आएगा या वो क्या मतलब उसको किस नज़र से लेते हैं ओवरवेट या इस तरह की चीज़ों को? प्रिसाइसली मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप वो ओवरवेट अगर किसी को कहते हैं तो वो नेक्स्ट पर्सन के लिए बॉडी शेमिंग भी हो सकता है? नहीं हो सकती है। अगर नहीं एक होता है प्राइवेटली बात करना, किसी को तो पब्लिकली बात करना। हाँ। चार लोगों में आपको बोलूँ कि तुम्हें वजन कम करना चाहिए, दैट इज आई एम बॉडी शेमिंग यू। अकेले बैठ के बोलूँ तुम्हें वजन कम करना चाहिए, इसमें बहुत फर्क है। और किस आपके इंटेंशंस क्या हैं, है ना? सिमिलरली अक्सर हमारा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आजकल लोगों की कभी वोकैबुलरी वीक होती है, कभी कोई होता है, कभी कुछ होता है, आप उनको अकेले बोलो नो दिस वर्ड इज नॉट दिस, इसको ऐसे बोलते हैं, समझ में आता है, वो ऑफेंड नहीं होगा। चार लोगों में बोलोगे वो इंसल्टेड फील करेगा। बहुत अच्छा है आंसर। तो दिस इज वन थिंग व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप बॉडी शेम नहीं कर सकते हो। पर्सनली आप किसी को अगर चाहते हो तो आप उसको पर्सनली बताओगे जाके कि यू नीड टू डू दिस एंड दैट, तो यू हैव टू हेल्प देम दैट वे। यस फ्रेंड्स देखें वी आर गेटिंग न्यू टेक्निक्स कि किसी को कैसे समझाना है और एटिकेट्स में भी आता है कि आप किसी को अगर कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हो तो इंडिविजुअली आपको करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ऐसे स्टेटमेंट जो आज आप फिटनेस के लिहाज से ब्रेक करना चाहते हैं, टैबू या कुछ? यू डोंट नीड टू हैव एब्स एंड अ फ्लैट बेली टू बी फिट एंड टू लुक अट्रैक्टिव, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, यू जस्ट हैव टू मेंटेन एंड बैलेंस योर डाइट, बट यू हैव टू समराइज इन अ वेरी स्मॉल सेंटेंस सो यू कैन चूज, कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, अ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ विद जिम, कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग एंड यू लुक अट्रैक्टिव, यू लुक फिट। ठीक है, तो आप ऐसा लिखें जो आपको ख़त्म करना है, मतलब ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है। या अच्छा व्हेन इट कम्स टू यस एंड देन वी विल ब्रेक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके यू कैन राइट विद दिस मार्कर। या मार्कर हम्म
So, imbalance of everything. Okay, you can show on the camera. Which means that we need a balanced life. And everything should be balanced, including your diet and your lifestyle, your routine, your fitness, your gym. There should be a balance. Don't become an extremist. That's my message to everybody. कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिस तरह आपने बताया कि डाइट पे फाके काट लेते हैं. ऐसा ही है. और कुछ लोग इतनी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जिम जाके चार चार घंटे भाग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. ओवर एग्जॉस्ट करते हैं जब तक ये सारी चीज़ें बैलेंस. और मेंटल हेल्थ भी तो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं ना. स्ट्रेस मेंटल हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है जब आप वर्कआउट करते हो तो. डिप्रेशन का रेट काफ़ी डिक्रीज होता है आफ्टर वर्कआउट. तो इट मीन्स के बैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं. तो आज हमने इम्बैलेंस को ब्रेक किया है. तो नाज़रीन, इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक. ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं. सबसे पहले हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने सेगमेंट को बहुत पसंद किया. इस हफ्ते हम आपकी मुलाकात बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली सोशल वर्कर वॉलंटियर बबली जी से करवा रहे हैं. बबली जी ने ख्वाजा सरा कम्युनिटी और सोसाइटी के पकिया तबकों के हकूक़ के लिए काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी. बबली साहिबा ने महक मलिक को इंसाफ दिलवाने में अहम किरदार किया और माशरे में रवा रखे जाने वाली नाइंसाफियों के ख़िलाफ़ एक पुरजोर आवाज़ के तौर पर सामने आई. जी ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट के पास होने पर बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं. इन्होंने इस बिल को पास करवाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ अनथक मेहनत की और कंसल्टेशन और एडवोकेसी के ज़रिए इस बिल को कानून बनाया. COVID-19 पेंडेमिक के दौरान बबली जी ने सोसाइटी के नादार तबकों के लिए अपनी मदद आपके तहत बढ़ चढ़ कर मदद की. जर्नी वे जन्नत में हम बबली जी को इनके खिदमात के एतराफ़ में ट्रिब्यूट पेश करते हैं. रिजवान, अब टाइम हुआ जाता है बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट का. बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, फुल ऑफ गॉसिप्स. ओके, इसका नाम है चास की टाइम. इंटरेस्टिंग. डू यू नो चास की मींस? चास की समथिंग टू डू विद चाय. या इंटरेस्टिंग. व्हाट लैंग्वेज इज इट इन? It's a Farsi language. अच्छा, it's Farsi a trans language. बोलते हैं. Yeah. अच्छा. It's not a Persian. It's our language, trans की. तो इसके मुनासबत से नाम रखा गया segment. सही. तो हम चाय पियेंगे साथ साथ gossips करेंगे. आप वैसे gossips करते हैं free time में? Sometimes, once in a while. सुनने का मज़ा आता है करने का? मैं तो लोगों को गीबत नहीं करता मैं लोगों की. गीबत is different. थोड़ी सी gossip. Gossip is गीबत basically. But चलो, I enjoy getting gossips. Yeah. Who doesn't? Who doesn't? Let's be honest. ठीक है. तो इसमें हम चाय पियेंगे और मैं आपसे मज़े मज़े की पूछूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी, बातें पूछूंगी, आपने बताना है. अच्छा, आप सबसे पहले बताएं कि मॉडलिंग में आने के लिए कौन सी तीन चीज़ें जो आपको कम नज़र आती हैं लोगों में, आजकल के मॉडल्स में कौन सी ऐसी चीज़ें आजकल के जो मॉडल्स नज़र आ रहे हैं? तीन चीज़ें कम नज़र आती हैं. हाँ, जो होनी चाहिए. एजुकेशन कम नज़र आती है मॉडल्स, नॉट मोस्ट ऑफ देम, देयर इज सम एजुकेटेड नहीं है. लिटरेसी रेट कम है. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. या और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मॉडल्स आर नॉट सपोज टू बी ब्यूटिफुल, दे नॉट सपोज टू बी गुड लुकिंग. मॉडल्स आर सपोज टू बी प्रॉप्स. मॉडल्स आर सपोज टू बी मैनिक्विंस. इन शॉर्ट, मैनिक्विंस विद सम एक्सप्रेशंस. बट हमारे यहाँ होता है कि 6 feet हाइट हो, गुड लुकिंग हो, स्टैंडर्ड साइट क्या, गोरा चिट्टा हो, ये स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्शन का हो, रंगीन आंखों वाले, बड़े कोई का कॉन्सेप्ट नहीं होना. हाँ, कलर डाके हैं तो और भी अच्छा, मतलब प्लस पॉइंट है. ये चीज़ कम है हमारे यहाँ. और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि मॉडल्स के अंदर गुरूर बहुत आ जाता है. काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. द मोर यू डाउन टू अर्थ, the more people like ये you. ये तो हर फील्ड में ऐसे होना चाहिए ना, जितने हर फील्ड में होना चाहिए. बट स्पेसिफिकली वी टॉकिंग अबाउट फैशन हियर, एंड फैशन में बहुत ज़्यादा है प्राउड. बट गुरूर इंसान को ज़मीन पर गिराता है एट द एंड ऑफ द डे. बहुत मज़े के आंसर हैं. अच्छा, फिर आपने बिजनेस के एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए कौन से 3 prerequisites हैं? यू नीड टू हैव द एबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल. इन्वेस्टमेंट येस होनी चाहिए. एंटरप्रेन्योर विदाउट एन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग. एंड इवन इफ यू डोंट हैव एन इन्वेस्टमेंट, हैवी और लाइट नहीं है, यू नीड टू हैव ब्रेन्स. ब्रेन्स टेक यू रियली फार, दैट्स इट. अच्छा, आपके फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा है और क्यों? फेवरेट बॉडी पार्ट फिटनेस में. अच्छा, फिटनेस में. अच्छा, फिर क्लियर कर देना थोड़ा सा मुझे तो.
फिटनेस में आई लाइक टू डू चेस्ट एंड आई लाइक डूइंग लेग्स लेग्स एंड चेस्ट दो माय लेग्स आर प्रीटी चिकन लेग्स बट या आई जस्ट स्टार्टेड लविंग लेग्स चेस्ट इज माय फेवरेट बॉडी पार्ट ओके अच्छा और फेवरेट कोई एनिमल को देख के लगता है ये स्वान है ये मेरे जैसी लुक है स्वान बतख स्वान 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 जैसी लगती है अच्छा सो स्वान्स यस आई हैव अ स्वान हियर बिकॉज़ आई एम ऑब्सेस्ड विद डक्स स्वान्स ओके सो व्हाट डज योर नेम मींस My name has two different pronunciations and two different meanings. Sawan का मतलब है चिकना पत्थर, Safwan का मतलब है the space between two clouds. तो लोग कहते तो हैं चिकना. कुछ Safwan बोलते हैं, कुछ Swan बोलते हैं. मुझे दोनों सुनने की आदत हो गई, मैं दोनों prefer करता हूँ. But इसका मतलब बतख से कोई related नहीं है by the way. So yeah. अच्छा ये Swan आपने अपना नाम खुद से ये नहीं खुद से नहीं रखा है Swan is pronunciation अच्छा pronunciation है आपके नाम की अब okay. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो बड़े हेटर्स जमा हो जाएंगे अच्छा. कि कुरान में लिखा हुआ है Safwan आपका नाम सहाबी का नाम था कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं बट माय नेम इज Swan ओके सो इट्स अप टू यू हाउ डू यू प्रोनाउंस्ड हाँ ठीक है अच्छा फिर मुझे आप ये बताएं बहुत सारी आपके पिक्चर्स में बीचेस में नज़र आते हो बड़े छोटे छोटे कपड़े पहनते हो आप तो ये क्या मतलब और बड़े छोटे ये क्या अट्रैक्ट करने के लिए कि डू यू फील लाइक या बीच नहीं पसंद नहीं 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 अट्रैक्ट करने के लिए नहीं पहली बात तो ये कि इंस्टाग्राम पर लाइक्स आते ही तस्वीरों पर ऐसी है जिसमें आपकी स्किन ज़्यादा नज़र आ रही हो बट नहीं मुझे अच्छा लगता है मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता इट्स जस्ट दैट जब आप बॉडी बना रहे हो जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका दिल करता है फ्लेक्स भी करो आई डू इट फॉर माई सेल्फ नॉट जैसे सलमान खान का बारे में सोचा जाता है इट्स जस्ट दैट छोटे कपड़े इन द सेंस कि मुझे लगता है कि मुझे फिटिंग में अच्छे कपड़े लगते हैं आई वांट इफ आई टेक दिस जैकेट ऑफ राइट नाउ मुझे जैसे मैंने अपनी जैकेट इसलिए उतारी है कोट इसलिए उतारा ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं इससे भी ज़्यादा फिट कपड़े पहनता हूँ अब इससे भी ज़्यादा पैक होते हैं हाँ और हाँ. लोगों को लगता है इतनी तकलीफ क्यों देते हो अपने आप को ब्रीदेबल कपड़े पहनो दिस इज़ अ स्ट्रेचेबल फैब्रिक बट आई फील वेरी कंफर्टेबल इन वेरी फिटेड क्लोथ्स कुछ लोग होते हैं बैगी कपड़े पहनते हैं कंफर्ट के लिए मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है No, I also feel good, you know, in fit मेरा कॉन्फिडेंस मेरा कंफर्ट है और हाँ अगर मैं फिटेड लोग फिटेड इसलिए नहीं बनते उनके पेट निकले हुए होते हैं किसी का बॉडी आउट ऑफ शेप है जब मुझे लगता है कि मैं आई एम प्रीटी मच इन शेप व्हाई नॉट फ्लेक्स इट इट्स नॉट फॉर इंस्टाग्राम या इट्स नॉट फॉर इंस्टाग्राम इट्स जस्ट माय स्टाइल फॉर इंस्टाग्राम लिटिल बिट बिकॉज़ पीपल मुझे याद है बचपन से स्कूल जाता था तो मेरी प्रिंसिपल एंटर होती बोलती थी बटन बंद कर मैं कहता था बंद करके दिखा दें आप उसके बाद मैं बैठा था गाड़ी में ड्राइवर साहब बोलते थे मुझे बेटा बटन बंद करो अरे अम्मी बटन बंद करो कल मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका कि आपने क्या कहते हैं यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहनी भी बटन तो बंद करें मैंने कहा मेरा बटन का सीट बेल्ट से क्या ताल्लुक है बटन बंद करने का क्या द पॉइंट इज दैट आई डोंट डू इट फॉर पीपल दिस इज हाउ आई कैरी माय सेल्फ दिस इज हाउ आई लाइक यू फील कंफर्टेबल इट्स माय कंफर्ट जोन आई फील कॉन्फिडेंट बिकॉज इट्स जस्ट मी लेकिन अभी आपने ये भी बताया था कि वो इंस्टाग्राम पर लाइक्स भी ज़्यादा आते हैं तो ये थोड़ा सा वो तो एक फैक्टर है क्योंकि लोगों को एक आदत हो गई मुझे देखने की चीज़ में अगर मुझे वो किसी दूसरे पसंद करते हैं अगर मुझे बैग आउटफिट्स में देखेंगे वो पल की पता नहीं अजीब सा लग रहा है आज उनको नहीं आदत मुझे देखने की उस सेंस में दूसरा मैं तबलीगों पे भी जाता था बीच में मैं अशरे पे गया था 10 दिन के तो वहाँ पे जो ना सर पे टोपी थी अब मेरे कानों में स्टार्ट पहना होता था मैंने तो मौलवियों ने बोला कि आप स्टार्ट तो उतारे हैं वो और बटन बंद मैंने कहा बटन बंद नहीं कर सकता मैं कितनी क्यों नहीं मैंने कहा बंद होएगा नहीं मेरे शलवार कमीज इतने फिटेड हैं तो अच्छा लेकिन वो फिर भी मुझे लेके जाते थे उनको पता था कि आई अट्रैक्ट द ऑडियंस ऑडियंस तो नहीं बोलूँगा दैट्स नॉट द राइट टर्म तो पीपल गांव देहातों में जो लोग होते थे वो देखते थे कि यार ये जो मौलवी आते हैं इन सब की दाढ़ी ज़रूरी नहीं हो मुझे देख के वो आते थे मुझे कि ये कौन है यार इनके साथ आया भाई क्या सीन है इसका वो जब और जब मैं बात करता था दीन की दुनिया की तो वो समझते थे चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे उनके साथ वो बोर हो जाते थे उसका उस द थिंग के साथ आई कुड ब्लेंड इन विद देम उनको डिफरेंसेस नजर आए ना बट उनको मैं मेरा मैसेज ये होता था कि देखो दीन और दुनिया साथ लेके चल सकते हो आप मैं फहाशी नहीं फैला रहा मेरा सतर ढांपा हुआ है मैंने सतर कवर्ड है मेरा बटन खोलूं बंद करूं दैट इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन इटसेल्फ राइट नाउ दीन और दुनिया को साथ लेके चल सकते हैं एक्सट्रीम पे ना लेके जाओ किसी भी चीज को दैट्स माय पॉइंट बड़ा मजे का है और सबसे वाइल्ड एक्सपीरियंस अप टिल नाउ आई हैव हैड द वेरी वाइल्डेस्ट एक्सपीरियंसेस लेट्स टॉक अबाउट देयर आर सो मेनी इनअप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस आई कांट इवन टॉक अबाउट राइट नाउ Let's talk about one wild experience. चलें ठीक है बताता हूँ छोटी सी उम्र में जो है ना छोटी सी उम्र में तो नहीं खैर 15 साल की उम्र में छोटी सी उम्र ठीक है मेरे तो 5 साल पहले की 6 साल 7 साल पहले की बात है तो जब छोटी सी अम्मी अबू से लड़ाई हुई मेरी एक तो मैंने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ कहते हैं कैसी बात है घर छोड़ के चले जाओगे ये वो तो
मैंने उस वक्त मेजे में 1500-2000 रुपये पड़े हुए थे किसी तरह। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कहते कहाँ जाओगे, किसी बात पर लड़ाई थी, इट वॉज़ अ बिग थिंग। मैंने जो ना ड्राइवर को बोला मुझे कैंट स्टेशन छोड़ दो। अच्छा, कभी मैंने जिंदगी में ट्रेन में सफ़र किया था ना, बस में ना कुछ, मुझे कुछ पता ही नहीं था। कहते किधर जाएंगे साहब, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। गया मैं वहाँ, जाने के बाद मैं लाइन में लगा हुआ, जो लाइन लगी हुई थी क्या कहते हैं टिकट की, मैंने कहा कोई टिकट लाहौर की है? दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू लाहौर, कोई टिकट है लाहौर की? मैंने कहा कि 15 साल के बाद आए थे। द गाय वाज लाइक के हाँ टिकट तो है, हर 15-20 मिनट बाद ट्रेन निकलती है। मैंने कहा दे दो फिर टिकट, कितने की? कहते 1500 रुपये की है। मैंने सोचा 1500 रुपये पकड़ाए, 500 रुपये अपनी जेब में रखे, भाग गया। ट्रेन में जाके खड़ा तो हो गया, मुझे पता नहीं कहाँ बैठूँ कहाँ नहीं बैठूँ, क्या है क्या नहीं है। और बड़ा कोई बुरा हाल था हमारी पाकिस्तानी ट्रेन का, 1500 रुपये की टिकट, मैं सोचे गर्मियों में कैसी ट्रेन मिली होगी। मुझे पता चला है तो टिकट की सीट ही नहीं है, ये तो टिकट बस चढ़ने के लिए मिली है मुझे। मैं 18 घंटे की ट्रेन में विदाउट सिटिंग, एक जगह पर बैठा बंदे ने उठा दिया, दूसरी जगह बैठा बंदे ने उठा दिया। थोड़ी देर बाद खड़े खड़े 2-3 घंटे 4 घंटे खड़े होने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई टू एन एक्सटेंड। आई स्टार्टेड प्यूकिंग, घर से खाना खा के निकला था, आई स्टार्टेड प्यूकिंग। लोगों ने मुझे ये नहीं बोला कि आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या है क्या नहीं, उन्होंने बोला साइड पे जाके करें प्लीज, यहाँ नहीं करें। तब मुझे रियलाइज हुआ यहाँ तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमारे अंदर इतना इलिटरेसी रेट है, लोगों को इंसानियत नहीं है यहाँ पे बेचारे। इनको अपने अपनी सीट मुश्किल से मिली है, इनको कोई किसी की हेल्प नहीं करता यहाँ पे, बल्कि साइड पे कर देते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई सेट इन दाता दरबार फॉर 2 डेज। आई वॉज हाइडिंग देयर, मैं कभी जिंदगी में मजार नहीं गया था, बट मैं गया वहाँ पे एक दोस्त के थ्रू। किस तरह, क्या कॉन्टैक्ट बनाए, क्या नहीं किया, सोशल मीडिया पे, दैट इज वाइल्डेस्ट, दैट वॉज अ वाइल्ड एक्सपीरियंस। बट या अप्स एंड डाउन आए, बट आई लर्न, ये जो मैंने बाई रोड ट्रैवल करना शुरू किया, फिर बाई एयर आगे आता गया, लोगों को जानना पहचाना, चीज़ें, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड दिस वॉज द वाइल्डेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। दैट मेड यू स्ट्रॉन्ग, दैट मेड मी स्टार्ट एंड स्टैंड वेयर आई एम राइट नाउ। ट्रू। अच्छा, ये तो बड़ी सीरियस वैसे आपने स्टोरी सुना दी मुझे। डिटेल में जाऊंगा तो आप तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किसी सेलिब्रिटी को कभी प्रपोज किया? यस, किसी पार्ट। आई वाज डेटिंग एन एक्ट्रेस, अ पॉपुलर एक्ट्रेस, एंड आई वोंट नेम हर। अच्छा, ये होने, लेट्स दिस क्रिएट द सस्पेंस। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Terrible experience. Terrible. Difficult to handle situation. थोड़ा सा फेम आ जाता है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, that's all I believe in. And yeah, complications आती हैं. I feel like. And how long the relation was? 6 months. अच्छा, मेरा मानना ये कि वैसे तो माशाल्लाह से देखते हैं आप इंडस्ट्री के अंदर लोगों के एक्टर्स आर डेटिंग एक्ट्रेसेस, they're married, happily married. But मेरा मानना ये है कि एक ही प्रोफेशन से दो पार्टनर्स नहीं होने चाहिए. अगर आप डिजाइनर हो तो आपका पार्टनर मॉडल या डिजाइनर नहीं होना चाहिए. लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप एक्टर हो तो आपके साथ एक्टर, या तो आर्गुमेंट स्टार्ट होते हैं क्या, मतलब कंपटीशन डेवलप हो जाता है, ना चाहते अनहेल्दी कंपटीशन. एक 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 मार्केटिंग का मतलब ही दूसरी मार्केटिंग की बंदी के साथ रिलेशनशिप में ना आए. अगर हाँ, दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नॉट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज आई हैव सीन अ बिट टू मच एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. पॉलिटिशियन विद अ पॉलिटिशियन इज नॉट अ सूटेबल स्पाउस, पॉलिटिशियन विद एन एक्ट्रेस कैन डू, बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आई सजेस्ट योर पार्टनर एंड यू शुड हैव अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोफेशन, इट्स गोना बी अ वेरी हेल्दी लाइफ. कास्टिंग काउच के बारे में आपने मॉडलिंग किया, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस? कास्टिंग काउच के बारे में आजकल तो इतना खुल के बात कर ही रहे हैं तो फैशन इंडस्ट्री के अंदर, अब यहाँ पे इतना ढकी छुपी चीज़ें रहती हैं. बट मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री में 3 तरीके आगे जाने के. एक तो आपकी जेब भारी हो, अगर आपकी जेब भारी नहीं है तो आपकी PR भारी हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हो. अगर आपकी PR भारी नहीं है तो आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, बट आप भारी हो इन अ वे. अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो कुछ लोग जो है ना अपनी पर्सनल रिलेशंस बनाते हैं सोर्सेज लगा के, कॉन्टैक्ट के थ्रू, आपसे दोस्ती हो गई, आपने शूट दिला दिया, फलां से दोस्ती हो गई, उसने मुझे कुछ काम शॉर्ट टर्म्स हैं. या दूसरा तरीका ये है कि मैंने पैसे दिए, मैगजीन कवर पर डालो मुझे, ये पैसे देकर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये कवर खरीद लिया. इफ़ यू आर रिच वेल्दी रिच, यू पे फॉर योर ओन फकिंग मूवी, यू पे फॉर योर ओन, आप प्रोड्यूसर बन जाओ, अपने पैसा लगाओ ड्रामे में, मुझे बुलकास्ट करो, आप शूट्स करवाओ अपने खुद के, अपना ब्रांड खोल के, अपना इस तरह बहुत ज़्यादा पैसे के थ्रू आप करो. तीसरा तरीका ये है कि आप किसी डिज़ाइनर के साथ या किसी मॉडल के साथ या किसी एक्टर के साथ रिलेशनशिप चलाओ, 6 महीने खबर हो आपको इस तरह का एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस इस तरह के नहीं रहे हैं. हाँ, अप्रोच दिन रात करते हैं लोग, बदनाम दिन रात करते, बदनाम भी करते हैं लोग. आप किसी के साथ कुछ ना भी करो ना आप बदनाम, ये तो है बदनाम हो. बेचारे सीधे सीधे लड़के भी इस इंडस्ट्री में हैं, टेढ़े टेढ़े भी हैं, लेकिन गंदे सब हैं, बदनाम सब हैं. क्यों? आई कैन नॉट गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दैट. इट्स जस्ट दैट
there's models are seen as escorts here. They're not respected the way they should be. That's one fact. It really disappoints. And the biggest problem is that if you are seen shirtless, if you've done bold shoots. Visible का मतलब available नहीं है. People confuse visible with available. Yeah, they think. You get it? They assume that yeah. if somebody is exposing, so they are very welcoming. Exposed कर रहे हैं तो मतलब available भी है, rate लगा दो वहीं पे. That's not how things should function. Respect every individual and their choices. Yes. I really appreciate your answer. अच्छा, और मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मतलब आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फिट कौन है इंडस्ट्री में, अगर फीमेल एक्टर की बात करें या मेल एक्टर की, दोनों में क्या नाम आते हैं आपके माइंड में? मेरी फिटनेस की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन बड़ी डाइवर्स है. बाय फिटनेस मेरी, मुझे नहीं लगता कि जिसके एब्स हों, डोले शोले हों, सिर्फ वही फिट है. फिर भी आपको कोई एक जो आपको, एहसन मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे एहसन पसंद है. इन टर्म्स ऑफ फिटनेस के ही इज एन एवरेज, ही समवन विद एन एवरेज फिजिक बट decent enough. Yeah. Bicep, tricep, Ahsan Khan? Ahsan Khan. Okay, and female? Females में भी इस तरह के बहुत सारे हैं. और बिलाल अशरफ इज वेरी फिट. Yeah, yes. he's fit. Similarly, Firoz is fit. Firoz Khan. और in terms of actresses, Neelam is pretty okay. She's fit. Neelam Muneer. By fit again, मुझे नहीं. हाँ, सिर्फ ये नहीं कि मतलब skin लड़कियाँ जो zero figure नहीं, that's very unattractive. Women are supposed to be curvy. I feel. मैं तो मेरी clients आती कहती बिल्कुल zero cut नहीं भाई. थोड़ा सा let yourself have a little bit of little fat is okay. It's important. You're a woman. Exactly. So, I would say Saba Kamar is very fit, Neelam Muneer is very fit, Mahira Khan is very fit. Yeah. Okay. So, अगर आपको offer हो film करना चाहें तो आप कौन सी actresses, कौन सी एक actor का चले बताएं? इमरान अशरफ के साथ करना चाहूँगा, he's my favorite. अच्छा, और actress में किसको heroine choose करें? Actress के अंदर Saba Kamar, yes. Yeah, Saba Kamar she's very talented. I really like Atika Odo. Atika Odo is real nice. हाँ ठीक है नाज़िन, बड़ा मज़ा आया इसके साथ. ख़त्म होता है हमारा चास की टाइम. आई होप आपने भी इंजॉय किया हो. या आई लव दैट. इन फैक्ट आई होप इसका फीडबैक पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो. बहुत सारी बातें या पॉजिटिव ही होता है. बहुत सारी बातें हो गई हैं. तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. तो नाज़िन, चास के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अब हमारे शो के लास्ट सेगमेंट का टाइम है, जिसका नाम है दिल की बात. तो स्वान, आप मतलब दिल में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आजकल जिस तरह पेंडेमिक बहुत ज़्यादा है और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस ऐसी ज़रूरी है ऑडियंस के लिए जो कि वो अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ से रिलेटेड? सबसे ज़्यादा तो हमारे पास जो रिंगटोन है आजकल, जो एहतियात के लिए मास्क पहने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग इग्नोर करते हैं इस चीज़ को. इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है ये. I realized this when my mother just got COVID. My nani recently passed away 2 months due to COVID. Due to COVID? She had COVID a few months ago, and after COVID ki jo symptoms hote hain, that leads to many problems. So it's not just COVID. COVID ke baad jo after COVID symptoms hote hain, effects hote hain, they can cause a lot more problems. हम लोग तो चलो 20-30s की एज में वी कैन स्केप देम, बट 30-50-60-70 का ब्रैकेट हम समझते नहीं. 70-60s का ब्रैकेट डेंजरस है. नहीं, 30+ यू आर इन डेंजर. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट राइट नाउ. हम लोग, ज़रूरी नहीं कि कोविड है तो हम लोग जो है ना, क्या कहते हैं, मल्टी वाइटमिन्स लें और फ्रूट्स खाना शुरू कर दें एक हफ्ता पहले. अदरक लहसुन के सुबह सुबह जो है ना ग्रीन टीज पी रहे हैं और कावा पी रहे हैं एक हफ्ता पहले, दो हफ्ते पहले इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है. इसको अभी से आदत बनानी ज़रूरी है. मल्टी वाइटमिन्स हम इग्नोर करते हैं. वाइटमिन सी की टैबलेट्स नहीं खाते हैं कि टैबलेट्स हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहिए. नहीं, सब कुछ जितना ज़्यादा आप अपनी अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अभी से करना शुरू करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा ये तो कोई कोविड की बात. अब इस तरह मतलब डेंगी भी आ चुका है. तो है. हाँ, डेंगी आ चुका है. डेंगी के लिए हम लोग जो है ना सनब्लॉक, वैसे कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं, एहतियात करते हैं कि स्किन कालीन और प्रोटेक्शन लोशंस. तो मैं आपको बताऊं, मुझे कोविड भी हो चुका है, मुझे डेंगी भी हो चुका है पिछले साल, लेकिन मुझे कोविड में इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं हुआ था. तबीयत ख़राब जो थी मेरी डेंगी में हुई थी. डेंगी वॉज इनसेन, क्योंकि डेंगी में पीपल आर मोर विलिंग टू गो टूवर्ड्स द डेंजरस साइड.
अच्छा, तो प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, आपको खून चढ़ता है, 50 चीज़ें होती हैं, डेंगी इज़ नॉट अ जोक, इट्स नो जोक। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ क्लियर पानी, जहाँ जहाँ साफ पानी मिले, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल एंड बीचेस, वैसे मैं पर्सनली खुद बीच जाता रहता हूँ हर हफ्ते, बट मैं आई मेक श्योर कि मेरे पास मच्छरों वाला जो लोशन होता है, वो मॉस्पेल, वो लगाऊँ। लेकिन एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी, या लेकिन हम लोग नहीं लगाते अक्सर, तो अगर आप पानी की तरफ जा रहे हो तो आप मॉस्पेल लगा के जाओ, और अगर आपके पास मॉस्पेल नहीं है तो आप अवॉइड करो आउटडोर गैदरिंग्स को, प्लीज़। दिस इज़ वेरी जिम के लिहाज से बताएं, जिस तरह कोविड पे हम कहते हैं कि मास्क, क्या मास्क पहन के जिम करना है, इज इट हेल्दी प्रैक्टिस? हम कोविड तो कैसे फिर अवॉइड करें? अब तो नहीं हो सकता, मैं खुद भी, मैं तो एक टाइम आता है बंदा छुटछुटा हो जाता है, मास्क पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते, ब्रीदिंग एंड ऑल, इनहेल करना होता है, एक्सहेल करना होता है। ये है कि आप ऐसे जिम जाओ वर्कआउट, आजकल तो मैंने आउटडोर वर्कआउट बड़े कराए थे, बट या तो आप सर्जिकल मास्क पहन लो, या तो आप मास्क बोल रहा हूँ, सर्जिकल ग्लव्स पहन लो आप, या फिर आप नॉर्मल ग्लव्स पहनो। अब जैसे मैं जिस जिम में जा रहा हूँ वहाँ पे ये है कि जितने भी ट्रेडमिल्स हैं, हर ट्रेडमिल के अंदर एक सैनिटाइजिंग स्प्रे पड़ा हुआ है, कि ट्रेडमिल पे आपको पता होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ इस्तेमाल करने हैं। द रूल इज़ कि सैनिटाइज करके आप उठोगे तो दूसरा बंदा यूज़ करेगा, और आप सैनिटाइज कर भी रहो तभी दूसरा बंदा आके फिर सैनिटाइज करे। एवरीबडी सैनिटाइजिंग एवरी डंबल, ये रूल है। तो डंबल्स के साथ सैनिटाइजर्स हैं, हर चीज़ के साथ सैनिटाइजर हैं, और अब अक्सर पीपल डू प्रैक्टिस द जिम, आई एम गोइंग टू पीपल रिलीजियसली प्रैक्टिस दिस, क्योंकि वहाँ ज़रूरी है, वहाँ पे आप नहीं करो तो देन देखो, थोड़ी सी एहतियात है लेकिन इट कैन सेव लाइव्स, बट या इट कैन सेव लाइव्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये तो बड़े मज़े के। अच्छा, और सबसे ज़्यादा आजकल कौन सी डाइट्स इन है, मतलब सोसाइटी में? हर कोई कीटो कीटो कर, बट आई डोंट सपोर्ट कीटो। मैं कहता हूँ बस बैलेंस डाइट रखो, जितना खा रहे हो उतना बर्न करो, जितना खा रहे हो उतना बर्न करो, कैलोरीज बर्न करो, 2000 कैलोरीज ली है तो 2000 कैलोरीज अगले दिन किसी भी तरह बर्न करो। अब एक गो में लोग शायद नहीं कर सकते कुछ, जो ओवरवेट होते हैं, डांस करने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल सुबह में जिम कर लिया, स्विमिंग का टाइम निकालो, कुछ स्पोर्ट का टाइम निकालो, जॉगिंग का टाइम निकालो, वो टारगेट करो कि ये 2000 कैलोरीज मैंने कल खाई थी इनको बर्न करना है। अगर तो जिन लोगों को नहीं पता कितनी कैलोरीज हैं, वो इंटरनेट पे देख किस तरह चेक करते हैं कैलोरीज। आपने पिज्जा खाया, आप चेक कर लो बेसिक पिज्जा के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, लार्ज स्मॉल। आप एक मैंगो खा रहे हो, एक मैंगो के अंदर 200 कैलोरीज होती हैं, एक पेप्सी का कैन पी रहे हो, एक कोक का कैन पी रहे हो, उसमें 200 कैलोरीज होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक कैन पी रहे हो, फिर आप ट्रेडमिल पे 25 मिनट भागोगे तब जाके वो एक कैन बर्न करोगे आप, मुश्किल से 25 मिनट। हाँ, अब वे जो मेरा एस्टिमेट वो बता रहा हूँ आपको, कि डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड पे भाग रहे हो और किस इंक्लाइन पे भाग रहे हो, बट द पॉइंट इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। कम पिज्जास खाएं, लेकिन आप सबसे बेस्ट वे बताएं कैलोरीज का, सबसे इफेक्टिव एंड फास्ट वे। सबसे ज्यादा कैलोरीज मुझे लगता है बर्न होती हैं स्क्वाट्स में, वेटेड स्क्वाट्स के अंदर, बिकॉज़ दैट हेल्प्स यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज। ये बातें हमें नहीं पता थी, तो आज के प्रोग्राम में काफी लोगों को हेल्प आउट। अच्छा, और आप क्या मतलब लोगों को ये भी गाइड करें जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जो ये फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते जिम की, या इतने महंगे ट्रेनर्स नहीं हायर कर सकते? तरीका ये कि आप लोग मुझे ज्वाइन कर लें, मैं आउटडोर सेशंस कराता हूँ लाहौर के अंदर, जैसे मॉडल टाउन पार्क हो गया, गार्डन टाउन पार्क हो गया, 50 और जगहें हैं। आउटडोर में होता है कि आपकी जिम की फीस बच जाती है, आपको खाली ट्रेनर की फीस देनी है, वो भी मुश्किल लगती है, तो मैं कुछ लोगों के लिए कंसेशन भी कर लेता हूँ कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, होना चाहिए ना, हाँ, ये थोड़ा सा। तो ये भी करता हूँ मैं कि आउटडोर सेशन है ना, मैं अपनी मर्जी से चार्ज करूँ, मैं आपसे जितना भी लेना चाहूँ, मुझे आगे किसी को पैसे नहीं देने। जिम में तो होता है कि चलो हमारी कम्युनिटी से अगर आए तो आप स्पेशल डिस्काउंट देना। डेफिनेटली डेफिनेटली, या आई वुड लव टू डू दिस। मेरे पास इनफैक्ट एक दो, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, बट या आई हैड अ लॉट ऑफ, आई हैव ट्रांस फ्रेंड्स टू, एंड आई हैड फ्रेंड्स हु वांटेड टू जॉइन मी। ये अलग बात है, उनको बड़े हैवी रेट बताए थे क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं पहले एनालिसिस कर लेते हैं, या पहले बैकग्राउंड देखता हूं कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं रेट चार्जेस बताता हूं। ठीक है, बट ये है कि मनी इज नो डील। अक्सर लोग बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव फिटनेस ट्रेनर है ये वो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू मी इज यू हैव टू गिव मी अ कमिटमेंट कि बस मेरा नुकसान ना हो रहा किसी भी सेंस में। होता है ना कि आप मुझे यहाँ इतना दूर आके ट्रेन करा, मेरा पेट्रोल जा रहा है, मेरी चीज़ें जा रही हैं, मेरा टाइम हमें चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करें ताकि वो 100% बस मेरा मुझे ये कि आई कैन गिव यू फेवर्स बट मेरा नुकसान ना हो रहा, मेरा ये रूल होता है। बाकी ऑब्वियसली बंदे को कमाना भी होता है। तो कैसे आपको मतलब अप्रोच कर सकते हैं कोई अपना? माय सोशल मीडिया स्वांस फिटनेस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, कॉन्टैक्ट मी देयर एंड गेट द डिटेल्स। और कैंडल्स आपके देख रहे हो तो कैसे? स्वान कैंडल्स, कॉन्टैक्ट मी देयर एंड गेट द डिटेल्स अगेन। ठीक है, तो yeah. लेकिन अब हम चाहेंगे कि ये तो बहुत मज़े की फिटनेस की आपने बातें बताई, थैंक यू सो मच। जाने से पहले आप ऐसी दिल की बात जो हमारी जनरेशन को स्पेशली यूथ को बताना चाहें कि वो उस पर अमल करें, या आपके दिल में है आप कहीं कहना पाए ऐसी कोई बात है, तो वट एवर यू नो कम्स इन योर माइंड यू कैन जस्ट राइट विथ योर ऑटोग्राफ, सो वील कीप इट सेफ इन आर। यू वांट मी टू राइट इट और से इट?
write it? You will write it first and then you will say it. जी जनाब, तो आपने क्या दिल की बात लिखी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? मैंने ये लिखा है कि द बिगेस्ट लाई एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ व्हाट पीपल आर पोर्ट्रेइंग ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बिकॉज जो दिखता है वो होता नहीं है. पीपल हु सीम रिच ऑन सोशल मीडिया, पीपल हु सीम फेमस ऑन सोशल मीडिया हैव वेरी डिप्रेस्ड लाइव्स. पीपल आर शोइंग समथिंग एल्स, क्योंकि वो पिक्चर्स होती है खाली. अच्छी पिक्चर्स अच्छी जगहों की. आप फैंसी खाना खा रहे हो यार, ये तो अमीर लगता है बहुत. लगता है इसके पास बहुत पैसा है. लगता है तो बहुत. आपको ही नहीं पता था कि किसी का गेस्ट है, वो कहीं इनवाइटेड है, कोई इसके बिल पे कर रहा है, या उसने कहीं बैठ के पिक्चर खींची और छोड़ दिया है, खाया भी नहीं होगा. यू डोंट नो. यू सी समथिंग एंड यू बिलीव दैट. दैट इज व्हाई आई ये देख के बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार वी कैन नॉट मीट दिस स्टैंडर्ड. और यार देखो इसका लाइफस्टाइल. सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं. लोगों को बड़ा कूल बनने का आजकल शौक होता है. कानों में बाली लगा दी, बटन्स खोल लिए. अपनी बात कर लेता हूं मैं, कोई मजाक नहीं है. बट अब लोग मुझे कमेंट्स में क्या लिखेंगे? नमाज पढ़ा करो, बगैरत कुरान पढ़ा करो, ये वो. आपको क्या पता मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ? आपको क्या पता कि मैं रोजे रखता हूँ? जजमेंटल. रोजा रख के मैं इंस्टाग्राम पे कैसे दिखाऊं मैंने आज रोजा रखा है? नमाज पढ़ के मैं कैसे दिखाऊं? नमाज पढ़ते हैं लोग. अगर मैं सजदा कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, यार बहुत अचीब गाय. नमाज पढ़ रहा है, लगता है पहली बार जिंदगी में नमाज पढ़ रहा है. इंस्टाग्राम पे दिखा रहे. तो ये रमजान अल्लाह के लिए पढ़ रहा है कि दुनिया के लिए पढ़ रहा है? इंसान दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है. छोटी सी कहानी मुझे याद आती है. बाप और बेटा थे, गधे पे बैठ के गाँव में जा रहे थे. रास्ते में लोगों ने बोला कि ये कितने बेगैरत बाप बेटे हैं, एक बेचारे एक गधे के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है. वो दोनों उतर गए. तो बेटा बैठ गया और बाप चल रहा था. लोगों ने कहा कितना बेगैरत बच्चा है ये, बूढ़े बाप को चला रहा है, खुद गधे के मज़े ले रहा है. बेटा उतर गया, बाप बैठ गया. लोगों ने बाप को सुना कितना बेगैरत बाप है, छोटे बच्चे को चला रहा है, गधे के मज़े ले रहा है. दोनों उतर गए, गधे को लेकर चलने के. लोगों ने कितने बेवकूफ है, गधे के तरह पैदल चल रहे हैं. गधे. द पॉइंट इज, दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है. यू हैव टू थिंक ऑफ हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ हैप्पी. Coming that's back to the point that the biggest lie you see right now is the social media. That's true. But please try to be realistic and try to, you know, boycott this show off and all this. So I'm really happy. और जाने से पहले हमारे स्पॉन्सर हैं शिनैंस, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है. थैंक यू सो मच. और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रैक टी, जो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से गिफ्ट. और स्वान, बड़ा मज़ा आया है. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग. I enjoyed it. I definitely enjoyed the show. मुझे बोलने का मौका मिला सही से. बट या थैंक यू. मैं आपके काफी शोज देख रही थी, लेकिन आई एम हैप्पी कि सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, आपने बड़े डिफरेंट टाइप के आंसर्स दिए हैं. नॉर्मली जितने भी गेस्ट आए, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी, बट आपके जिस तरह काम में एक यूनिकनेस है, तो आपके आंसर्स में, इंटरव्यू में भी वो नजर आई. फॉर एडमायरिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्ड्स एंड माय वर्क. वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी वांट योर पेंटिंग्स टू बी हाईलाइटेड एंड टू बी कम इन द बिजनेस इंशाल्लाह. सो इसके साथ खत्म होती है हमारी आज की एपिसोड. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.